सच का पहरेदार। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में तहसील शिकारपुर क्षेत्र में विजयदशमी महोत्सव परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्र मोहन, प्रदेश महामंत्री भाजपा और वरिष्ठ अतिथि मानवेंद्र प्रताप सिंह MLC मौजूद रहे। परिवार मिलन समारोह में लोगों ने डॉक्टर चंद्र मोहन के पहुंचने पर उन्हें मुकुट पहनाकर फूल मालाओं से भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर चंद्र मोहन ने मीडिया से रूबरू होते हुए 2022 को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार 350 सीटों से अधिक सीट भाजपा के खाते में आ रही हैं। हालांकि यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है, यह विजयदशमी का महोत्सव है, यह अपने परिवार का कार्यक्रम है और आज इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला है। का उत्सव था और परिवार मिलन का कार्यक्रम था। परिवार के लोग सब एकत्रित आए हैं और सबका हम अभिनंदन करेंगे। जिस बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो बिल्कुल अभिनंदनीय है। सब लोग भगवान राम को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। सब लोगों की आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश में जो रामराज है, जो इस रामराज है वो आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास का जो मंत्र है वो भगवान राम के विचारों से उत्पन्न मंत्र है, तो वो आगे बढ़े, इसी के लिए सब लोग आए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने भाजपा के साथ योगी मोदी और डॉक्टर चंद्र मोहन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फिर एक बार भाजपा सरकार आने का भरोसा दिलाया है। लेकिन यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही तय करेगा कि भाजपा वापसी कर पाती है या नहीं। बुलंदशहर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।